हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम हाफ वेयर रेक्टिफायर और फुल वेयर रेक्टिफायर को एक इंटीग्रेटेड सर्किट पे डिजाइन करेंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट पे डिजाइन करने से हमें फायदा ये होगा कि जो ट्रांसफार्मर लगाएंगे वो हमें दो अलग अलग ना लगा के एक ही ट्रांसफार्मर से हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सर्किट कैसे बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक सर्किट डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर का। ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में यहाँ से हम एसी सप्लाई देते हैं, जो कि हमारे घर में इंडिया में 220 वोल्ट्स और 50 हर्ट्ज की आती है। ये एक डायोड है हमारा, हमें एक डायोड चाहिए इस तरह। अच्छा, डायोड में ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो बहुत बारीक सा आप सिल्वर एक स्ट्रिप देख रहे हैं, ये हमारे डायोड का निगेटिव टर्मिनल होता है, ये यहाँ पे, ठीक है। एक हमें डायोड चाहिए, एक हमें रेजिस्टेंस चाहिए, एक हमें कैपेसिटर चाहिए, एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड चाहिए, पीसीबी जिसे कहते हैं हम, और एक हमें चाहिए ट्रांसफार्मर। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे हमारी ये है कि ये एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, यानी कि तीन वायर जो हमारे इनपुट के लिए है। मार्केट में आप इसे परचेस करने जाएंगे तो आपको सिर्फ इतना कहना है कि 4 वोल्ट का सेंटर टैप्ड, या कॉमन लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि हाँ 5 वायर्स वाला, यानी कि 2 आउटपुट वाला और 3 इनपुट वाला हमें ट्रांसफार्मर दे दीजिए, वो आपको दे देगा। तो इतना सामान हमें चाहिए। आप देखिए कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले इसके नीचे हम एक डुअल साइडेड टेप लगा के इसे यहाँ पे फिक्स कर लेंगे अपने ट्रांसफार्मर को, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर के इन दो तारों में हम मेन सप्लाई के लिए कनेक्शन कर देंगे। ध्यान रहे कि जब टेस्टिंग करनी हो तब इसे आप स्विच में लगाएंगे इस मेन वायर को, वरना 220 वोल्ट की सप्लाई पे अगर आपका हाथ पड़ गया तो झटका खाना जरूरी है आपका। अब यहाँ पे एक हम सबसे पहले डायोड अरेंज करेंगे। डायोड का नेगेटिव टर्मिनल, जैसा कि मैंने कहा था, ये सिल्वर वाला, इसे हम इस तरफ लगाएंगे। और उसी के साथ सीरीज में ये रेजिस्टेंस हम लगा लेंगे। रेजिस्टेंस को लगाने के बीच में, रेजिस्टेंस और डायोड के बीच में हमारा कैपेसिटर लगेगा यहाँ पे, जो कि पैरेलल में है। फाइनली लोड के लिए आप या तो बजर अलार्म लगा सकते हैं या फिर इस तरह की एक एलईडी लगा सकते हैं। ये हमारा लोड है, ये भी हमारा पैरेलल में लगेगा। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें पीछे सोल्डरिंग कर दी है। सोल्डरिंग में कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये दो वायर्स निकाले हैं। एक वायर हमारा डायोड से निकला हुआ है, यानी कि यहां से, और एक वायर हमारा अपनी जो एलईडी है उसके दूसरे सप्लाई से, यानी कि यहां से, सिंपल। और जो डायोड का कनेक्शन है हमारा एक रेजिस्टेंस से, इसे आप देख सकते हैं, ये हमारा डायोड और रेजिस्टेंस का कनेक्शन है। और हमारा रेजिस्टेंस का एक वायर, यानी कि यहाँ से एलईडी में गया, ये आप देख सकते हैं। दैट्स इट, सिंपल कनेक्शन है। अब हमें क्या करना है, इन दो वायरों को अपने ट्रांसफार्मर के वायर से यूज करना है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आपको इस वायर का यूज नहीं करना है। ध्यान से देख लीजिए, इस सेंटर वाले वायर का यूज नहीं करना है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, और इन दोनों वायर्स को अपने आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं सिंपली इस तरह। एक वायर ये कनेक्ट हो गया हमारा और दूसरा ये कनेक्ट हो गया। ये तो हुआ आपका इससे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा मेन सप्लाई का वायर है जो हम अपने प्लग में इंसर्ट करेंगे। प्लग यानी कि नॉर्मल प्लग जो हमारे घरों में होता है। इस वायर को आपको ध्यान रखना है, कहीं भी टच ना करा के किसी वायर से, वरना शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। और ये हमारा ट्रांसफार्मर में इनपुट देने का काम करेगा। ये आप कुछ नहीं करना, इस वायर को मैं लगा रहा हूँ प्लग में और देखेगा हमारी एलईडी जल जाएगी। तो अब मैं स्विच ऑन करने जा रहा हूँ, देखिए
ये हमारी एलईडी है, हल्की सी ब्लिंक करेगी। इसके ब्लिंक करने का रीजन ये है कि हमारे रिपल्स आते हैं आउटपुट में हाफ वेव रेक्टिफायर में। आपने कभी ग्राफ देखा होगा तो अभी मैं बना के दिखा दूंगा, जो ग्राफ होता है इसका उसमें रिपल्स आते हैं आउटपुट में, इस वजह से ये डायरेक्ट लेनेगी, इसीलिए कहता है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो फ्रेंड्स इसी सर्किट पे हमने अब कनेक्शन निकाल दिए हैं और इसी पे अब हम फुल वेव रेक्टिफायर बनाएंगे। सबसे पहले फुल वेव रेक्टिफायर होता कैसा है वो देख लीजिए। ये हमारा ट्रांसफॉर्मर पोर्शन है, यहाँ से हम एसी सप्लाई देते हैं 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की, जो इंडिया में हमारी सप्लाई आती है। ये रही हमारी एसी सप्लाई ट्रांसफॉर्मर में। यहाँ पे हमें चाहिए होंगे दो डायोड्स, तो हम अपने दो डायोड्स ले लेते हैं। इसके साथ हमें चाहिए होगा एक रेजिस्टेंस, हमारे पास एक है रेजिस्टेंस यहाँ पे, और हमें चाहिए होगा एक लोड के लिए एक एलईडी। यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें कैपेसिटेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे आउटपुट में रिपल्स नहीं आते, कांस्टेंट सप्लाई आती है, इसलिए हमें कैपेसिटर की जरूरत नहीं है। तो अब देखते हैं सबसे पहले कैसे बनाते हैं इसको। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। सबसे पहले इस डायोड को हम अरेंज कर लेते हैं अपने पीसीबी पर। हमने एक डायोड लगा लिया, इसी के साथ एक ये डायोड हमने लगा लिया है। अब इसी के साथ एक डायोड और लगाना है हमको। तो हमने यहाँ पे अपने दो डायोड्स लगानी है, इनकी पोलैरिटी पे ध्यान देना है। डायग्राम में हम ये देख रहे हैं कि ये निगेटिव एंड एक साथ है। निगेटिव एंड आपको पता कैसे चलेगा, डायोड के ऊपर एक बहुत पतली सी सिल्वर स्ट्रिप है, आप देख सकते हैं इन दो डायोड्स में सिल्वर स्ट्रिप है, यही हमारा निगेटिव एंड होता है। अब इसके बीच में हमें एक रेजिस्टर लगाना है, यानी कि यहाँ पे इस तरह। तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस भी अब लग चुका है। लास्ट में हमें एक एलईडी लगानी, जो कि हमारा आउटपुट है। ये एलईडी हमारी सीरीज में लगेगी यहाँ पे। एलईडी भी लग गई है हमारी। अब कनेक्शंस करने हैं पीछे से सोल्डरिंग करके। तो फ्रेंड्स हमारे कनेक्शन यहाँ पे पूरे हो गए, मैंने सोल्डरिंग कर दी है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल, इसका निगेटिव टर्मिनल, इन दोनों को अभी यहाँ पीछे हमने एक आपस में ज्वाइंट किया है। ये देखिए, इन दोनों को हमने आपस में ज्वाइंट किया है, और हमारा एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे हम इसके ज्वाइंट से जोड़ेंगे, यानी कि ये डायोड को, यानी डायोड के दोनों को ज्वाइंट करके एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है। और हमारा जो रेजिस्टेंस का वायर आ रहा है, यानी कि ये, इसे हम निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी सॉरी लाइट से जोड़ेंगे। और बाकी बचे यहाँ के ये तीन कनेक्शंस, एक दो तीन, इसे हम वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ये हमारे ट्रांसफॉर्मर बजाएंगे, ये हमारा पॉजिटिव के लिए, ये निगेटिव के लिए, और यहाँ पे हमारा ये सेंटर टैप्ड वायर के लिए यूज होगा। देखिए यहाँ पे हम कनेक्शंस भी यही कर दे रहे हैं, ये पॉजिटिव निगेटिव और ये सेंटर टैप, इसे हम पीछे कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे इस तरह। यह हमारा सेंटर टैप। तो गाइस यहाँ पे तैयार हो चुका है, ये दो हमारे एसी सप्लाई के लिए जाएंगे, ये हमारे तीन वायर जो कि हमने इसमें कनेक्ट कर दिए हैं। ये रहा हमारा सेंटर टैप, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और यहाँ पे हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करना है, यहाँ पे टेपिंग कर देंगे ब्लैक वायर से, ताकि आपस में कोई सर्किट वायर टच ना करे और हमारा शॉर्ट सर्किट ना हो। तो यहाँ पे हमने टेपिंग कर दी है, ताकि कोई भी वायर अब अगर आपस में टकराता है तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ठीक है, तो सर्किट हमारा कंप्लीट है, बस कुछ नहीं करना, इन दो को एसी सप्लाई में कनेक्ट करना है। एसी सप्लाई के लिए इसे यहाँ से कनेक्ट कर देना है, अभी मैंने स्विच ऑफ कर रखा है वरना मेरा झटका मारेगा तगड़ा वाला। ठीक है, तो कनेक्शन हमारे सारे कंप्लीट है। इसे भी ध्यान रखना है कि आपस में कनेक्ट ना हो, तो चाहे तो आप यहाँ भी टेप लगा सकते हैं फॉर दैट वाइल कि आपको फुल वेव ट्रांस
रेजिस्टर को चेक करना है, सॉरी रेक्टिफायर। तो अब आगे देखते हैं कि ये जलता है कि नहीं। करने के बाद इसमें कोई भी रिपल्स नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर में हमारा कॉन्स्टेंट आउटपुट मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं ये ब्लिंक नहीं कर रही है। ब्लिंक ना करने का मतलब हमारे यहाँ पे ये है कि इसमें रिपल्स नहीं आ रहे, कॉन्स्टेंट हमारा आउटपुट मिल रहा है। इस आउटपुट की जगह पे आप बजर अलार्म भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सपोर्ट मी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।